हेलो गाइस, दिस योर दोस्त एंड होस्ट विशाल सर। स्वागत है आप सभी का हमारे इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वाईफाई स्टडी 2.0। नाउ वाईफाई स्टडी इज अ पार्ट ऑफ द अनअकैडमी। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड डूइंग वेल। आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी और आपकी इस प्रिपरेशन को बनाए रखने के लिए मैं आपके लाया हूँ एक जबरदस्त सेशन जिसमें हम डील करने वाले हैं फर्स्ट अमंग इंडियंस, भारतीयों में सबसे पहले। तो हमने क्या किया है अभी तक, इस सेशन का पार्ट वन कम्प्लीट कर लिया है जिसमें ऑलमोस्ट हमने 30 ऐसे पर्सनैलिटीज़ की बात की थी जो कि अपने फील्ड में फर्स्ट रही है। अब ये जो आपका सेशन है ये इसका पार्ट टू है। तो गाइस फटाफट हमारे सेशन के साथ जुड़ जाइए और ये जो सेशन का लिंक है अपने सभी फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये जितने भी एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन करो उन सभी एग्जामिनेशन के लिए सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप मेरे साथ जुड़कर अनअकैडमी पर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यूज़ दिस रेफरल कोड विशाल11 टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फीस। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि स्पेशल क्लास आप अच्छे से देख सकें। और इसी के साथ जब आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे तो जिस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो आप गोल चूज़ कीजिएगा और विशाल शर्मा प्रोफाइल को सर्च करके आप उसे फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। अगर आप पहली बार अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर रहे हो तो हो सकता है आपसे कोई इन्विटेशन कोड पूछा जाए। सो इन ऑर्डर टू वॉच दीज स्पेशल क्लासेस आप इन्विटेशन कोड यूज़ में ले सकते हो विशाल11। जैसे आप विशाल11 इन्विटेशन कोड यूज़ में लोगे आपके जितने भी फ्री प्लान हैं सारे के सारे अनलॉक हो जाएंगे। ये तभी होता है जब आप पहली बार अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है। और ये मेरा प्लस कोर्स है, इसे भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए तो हम एक क्विक रिविज़न ले लेते हैं कि अभी हमने क्या क्या किया है ना। एक सेकेंड रुकिएगा, हमने क्या क्या कर लिया है उसका हम एक क्विक रिविज़न ले लेते हैं। चलिए तो हमने सबसे पहले पढ़े थे कि हमारे भारत के प्रथम चीफ जस्टिस कौन थे, वो थे हमारे HJ कानिया जी। सो चीफ फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज HJ कानिया, ये हमारे फर्स्ट पर्सनैलिटी थे। सेकंड पर्सनैलिटी हमने देखी थी अंजू बॉबी जॉर्ज की, इन्होंने वर्ल्ड एथलीट चैम्पियनशिप में 2003 में भारत को प्रथम रजत यानी ब्रॉन्ज मेडल जिताया था। तो पहले इंडियन एथलीट हैं जिन्होंने भारत को वर्ल्ड एथलीट चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जिताया था, वो है आपके अंजू बॉबी जॉर्ज। यहाँ फील्ड में फीमेल और मेल की बात नहीं हो रही है, फर्स्ट एथलीट की बात हो रही है। इसके बाद आता है सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, फर्स्ट बैरन सिन्हा, ये आपके अगर हम बात करें ही वॉज द फर्स्ट इंडियन एडवोकेट जनरल ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल के प्रथम भारतीय गवर्नर थे आपके सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, फर्स्ट बैरन सिन्हा। इसके बाद हमने बात की थी CM KM करियप्पा की, ये आपके फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ थे इंडियन आर्मी के, ठीक है, फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे इंडियन आर्मी के। इंडियन आर्मी जो थी उनके ऑफिसर के पास 5-स्टार रैंक वाले 2 ऑफिसर्स थे, एक तो थे हमारे KM करियप्पा जी फील्ड मार्शल और दूसरे थे फील्ड मार्शल शेम मनेकशॉ जी। इसके बाद हमने देखा था सी राजा गोपालाचारी जी के बारे में, जो सी राजा गोपालाचारी थे वो भारत के प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न से अवॉर्ड किया गया था। तो भारत रत्न जिन्हें सबसे पहले मिला था वो थे श्री सी राजा गोपालाचारी जी। उसके बाद सी डी देशमुख जी क्या थे, आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर थे, 1943 में ये बने थे। विजयलक्ष्मी पंडित जी के बारे में आपको 2 बात याद रखनी है, ये आपके स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर की फर्स्ट वुमेन मेंबर है, इसी के साथ फर्स्ट वुमेन है जो कि अगर हम बात करें फर्स्ट इंडियन है जो कि प्रेसिडेंट रहे हैं यूनियन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, ठीक है। FV आरुल जी जो है आपके वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के आपके फॉर्मर डायरेक्टर रहे हैं जिन्होंने इंटरपोल यानी इंटरनेशनल पुलिस के वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव जीता था। फिर हमने देखा था राजकुमारी BBG अमृत कौर जी, ये आपके यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री के फर्स्ट वुमेन सदस्य रही है ना, फर्स्ट वुमेन है जो कि यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री में शामिल हुए थे, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर थे और हेल्थ मिनिस्टर थे, ये चीज़ आप यहाँ पर याद रख सकते हो। फर्स्ट CAG थे आपके वी नराहरी राव, ठीक है, फर्स्ट CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। MC स्टेवर्ड आपके क्या हैं अगर हम बात करें, ही बिकम द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड ही इज ऑल्सो द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ इलेक्शन,
है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये हमने पार्ट वन में कवर कर लिया है। सरोजनी नायडू जी पहली प्रथम महिला थी जो कि आपके किसी स्टेट के गवर्नर रहे हैं, और पहली प्रथम महिला मुख्यमंत्री रहे हैं आपके सुचेता कृपलानी जी। अन्ना चेंदी जी के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो आपकी भारत की प्रथम महिला जज हैं वो है आपकी अन्ना चेंदी जी। भारत की प्रथम महिला जज जो कि हाई कोर्ट के भी जज रहे हैं वो है अन्ना चेंदी जी। के बाद फतिमा बीवी जी, भारत की प्रथम महिला, भारत की प्रथम महिला सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो आपके फतिमा बीवी जी हैं। इसके बाद बचेंद्री पाल के बारे में आपको मालूम ही है कि इन्होंने एवरेस्ट को क्या किया था, एवरेस्ट पर फतेह हासिल की थी। तो फर्स्ट फर्स्ट इंडियन माउंटेनर, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द समिट ऑफ द माउंट एवरेस्ट, ये हम पिछले क्लास में कवर कर चुके हैं। राकेश शर्मा जी जो कि आपके स्पेस में जाने वाले प्रथम व्यक्ति है। आरती सिन्हा जी ने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया था, पहली एशियन स्विमर है जिन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया था। नगेंद्र सिंह जी आपके पहले ऐसे भारतीय हैं जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट रहे हैं। भानु अथैया जी ऐसे पहले भारतीय जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला है। कर्णम मलेश्वरी जी आपके एक वेट लिफ्टर है, एथलेटिक है, जिन्होंने भारत को ओलंपिक्स में पहली बार मेडल जिताया था सन 2000 में। सलमान रसीदी जी एक लेखक है जिनको लेखक होने के रूप में सबसे बड़ा अवार्ड मिला है जिसे हम बोलते हैं बुकर्स प्राइज। अरुंधति रॉय को भी बुकर्स प्राइज मिला है जिसका नाम है मैन बुकर्स प्राइज। विनोबा भावे जी गांधी जी के काफी करीबी थे, इनको मिला है मैग्सेसे अवार्ड। और राजेंद्र सिंह जी जडेजा आपके फर्स्ट फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है ऑफ इंडियन आर्मी। क्लियर है? यस, वेरी गुड। आरती प्रधान जी भी स्विमर है जो जिन्होंने स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को क्रॉस किया था। नरगिस ऐसे पहले एक्ट्रेस है जिन्हें भारत सॉरी पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। एम सुबलक्ष्मी जी ऐसे फर्स्ट म्यूजिशियन है जिन्हें भारत रत्न से क्या किया गया था, अवार्ड दिया गया था, सम्मानित किया गया था। चोकीला अय्यर जी पहली भारतीय ऐसी महिला है जो कि फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं। इंडिया फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी इज चोकीला अय्यर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लाला अमरनाथ जी क्रिकेट से रिलेटेड है, पहले टेस्ट क्रिकेट के जो कैप्टन है वो है लाला अमरनाथ। पहले क्रिकेट की अगर हम बात करें, पहले जो क्रिकेट होता था वनडे टेस्ट दोनों होते थे, टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो पहले इंडिपेंडेंट के बाद स्वतंत्र भारत की जो क्रिकेट टीम थी, फर्स्ट टेस्ट सीरीज जो हमने पाकिस्तान के खिलाफ जीत कर हम जीते थे है ना, तो उस टेस्ट में जो कैप्टन थे वो थे आपके लाला अमरनाथ जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए, कमला देवी चट्टोपाध्याय जी के बारे में आपको याद रखना है कि ये ऐसी पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने भारत में चुनाव लड़ा था। पहली ऐसी भारतीय महिला थी जिन्होंने चुनाव लड़ा था, ठीक है। चलिए, किरण बेदी जी पहली भारतीय महिला है जो कि आईपीएस ऑफिसर थे। इनका नाम के साथ साथ एक चीज आपको और याद रखनी है कि किरण बेदी नेम्ड फर्स्ट वुमेन यूएन सिविलियन पुलिस एडवाइजर, यूएन सिविलियन पुलिस एडवाइजर की प्रथम महिला के रूप में, भारतीय प्रथम भारतीय महिला के रूप में किरण बेदी जी का नाम जाना जाता है, उनका नाम आता है। आर एन काव आपके रो जो है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के क्या रहे हैं, फर्स्ट चीफ रहे हैं, फर्स्ट चीफ रहे हैं। तो फर्स्ट चीफ ऑफ रो इज आर एन काव। चलिए, अब ये जो सेकंड पार्ट है आपका यहाँ से स्टार्ट होता है कमला हरिस से। इससे कमला हरिस से, इस कमला हरिस जी के बारे में आपको क्या याद रखना है, ही इज द इंडियन ओरिजिन वुमेन हु वाज द प्रोसिक्यूटर इन द यूएस। इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन, इंडियन ओरिजिन वुमेन। प्रोसिक्यूटर इन द यूएसए, ठीक है। तो ये चीज आपको इनके बारे में याद रखनी। नेक्स्ट आता है आपके के जे उदेशी जी, आरबीआई की प्रथम महिला गवर्नर कौन है, के जे उदेशी, ठीक है।
आरबीआई की प्रथम महिला गवर्नर कौन है? के जे उदेशी। के जे उदेशी, इज इट क्लियर? चलिए, प्रथम महिला गवर्नर आरबीआई की के जे उदेशी। उसके बाद हम बात करते हैं रंजना कुमार। रंजना कुमार जी के बारे में आपको याद रखना है, नाबार्ड में है ना, चेयरपर्सन ऑफ नाबार्ड। वुमेन चेयरपर्सन ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एंड रूरल डेवलपमेंट। क्लियर है? चलिए, तो शी बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द हेड ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सानिया मिर्जा के बारे में, इनका नाम तो आपको मालूम ही है। इनके नाम पर 6 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स है। कितने हैं? 6 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स है ना। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन जिनके नाम पर ग्रैंड स्लैम टाइटल्स हुए थे, जिनका नाम है सानिया मिर्जा। सत्येंद्र नाथ टैगोर जी रविंद्र नाथ टैगोर के भाई हैं है ना। ये पहले ऐसे भारतीय व्यक्ति है जिन्होंने सिविल सर्विस ज्वाइन की थी, आईएएस ऑफिसर है ना, फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द इंडियन सिविल सर्विसेज, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ओके, सत्येंद्र नाथ टैगोर। कमलजीत संधू रनर हैं एक तरीके के, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो कमलजीत संधू इज ए फीमेल इंडियन एथलीट हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द बैंकॉक एशियन गेम्स। बैंकॉक एशियन गेम्स, इज इट क्लियर? ये सुनो तो बोलो, इतने कम विद्यार्थी हो यार, ऐसे क्या कर रहे हो भाई, कहीं और लगे हुए हो क्या? चलिए कोई बात, आलम आरा। आलम आरा का नाम तो सुना ही होगा। क्या है आलम आरा? इंडिविजुअल में ओलंपिक्स में फर्स्ट मेडलिस्ट, वो वेट लिफ्टर थे, अभी मैंने आपको बताया था उनका नाम। ध्यान से सुनो यार, देखो एक तो कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग, एक तो है आपके वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सर्वप्रथम मेडल लाने वाली महिला, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में सर्वप्रथम मेडल लाने वाली महिला अंजू ब्योबी जॉर्ज, ब्रॉन्ज मेडल है ना। अब देखो ओलंपिक्स में, अभी बताता हूँ मैं, ध्यान से डिफ्रेंशिएट करो। ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाली प्रथम महिला, ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाली प्रथम महिला कर्णम मलेश्वरी जी। अब गोल्ड लाने वाले, है ना, एशियन गेम्स में ओलंपिक नहीं है ये, एशियन गेम्स में गोल्ड लाने वाली कमलजीत सिंह संधु। और आलम आरा तो आपकी पहली मूवी थी है ना, बोलने वाली सुनने वाली मूवी, टॉकी फिल्म, इंडियन टॉकी फिल्म, टॉकी फिल्म, टोकी टोकी फिल्म है ना, समझ आ गया। चलिए, अरे जो पढ़ा रहे हो तो पढ़ लो, आगे क्यों भाग रहे हो, सब आएंगे। सुकुमार सेन, पीटी उषा भी आएगी है ना, पीसी जोशी भी आएगा, मिहिर सेन भी आएगा, सब आएंगे, टेंशन मत लो। सुष्मिता सेन भी आएगी, जाकिर हुसैन साहब भी आएंगे, सभी आएंगे,
सुकुमार सेन सिविल सर्वेंट है, तो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, मैंने एक चीज बता दी थी क्या अभी, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कमांडर इन चीफ बताया था। वॉज एन इंडियन सिविल सर्वेंट हु वॉज द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया सर्विंग फ्रॉम इंडिपेंडेंट इंडिया, 21 मार्च 1952, 19 दिसंबर 1958। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। भी मैंने एक और चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया बताया था, स्टेबल्ड, स्टेबल्ड। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, तो चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कुछ वर्ड सिमिलर जैसे लगते हैं ना, फिर दिक्कत करते हैं वो आगे जाके। एक बार क्रॉस चेक कर लेना जरूरी रहता है। के आर रामानंथन, तो ये फिजिसिस्ट थे, इनको एक अवार्ड मिला था, है ना। ये एक फिजिसिस्ट और मेट्रोलॉजिस्ट थे जिनको अवार्ड मिला था, और इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। आई बात समझ में? मैं यहाँ पर्संस बता रहा हूँ, आप पूछ रहे हो इलेक्शन कब हुए, ये कब हुआ, वो कब हुआ, मुझे मालूम ही नहीं भाई, है ना, नहीं मालूम। इनको क्या मिला था? आर्यभट्ट मेडल मिला था। ठीक है, ठीक है, नायडू। ये इंडियन क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान थे। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग। फर्स्ट टाइम इलेक्शन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, इसके रिगार्डिंग पूछ रहे हो? ये तो मैंने पढ़ाया ही नहीं अभी। ठीक है, ये तो पढ़ाया ही नहीं मैंने। तो फर्स्ट कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इन द टेस्ट मैच, चलो एक्स्ट्रा मत जाओ ना, अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो तो पढ़ लो भाई, जो पढ़ा रहा हूँ वो तो पढ़ो, एक्स्ट्रा आगे क्यों भाग रहे हो? जो पढ़ाऊंगे उसका स्वाद निकल जाएगा फिर। एसवी कृष्ण मूर्ति राव, एसवी कृष्ण मूर्ति राव, है ना, ऐसे डिस्टर्ब हो जाती है यार क्लास। एसवी कृष्ण मूर्ति राव, एसवी कृष्ण मूर्ति राव कौन थे? पॉलिटिशियन है ना। ठीक चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, है चलिए। शिवाजी गणेशन, इनके रिगार्डिंग आपको एक अवार्ड ही याद रखना है, शेवलियर अवार्ड बाय द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सिविल
लीजन ऑफ ऑनर ऑफ फ्रांस, सिर्फ अवार्ड का नाम याद रखना है। ९५ में मिला था। विपिंद्र चंद्र जोशी, बीसी जोशी, इनके बारे में आपको याद रखना है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। टाई इन हार्नेस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डाई इन हार्नेस, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, चलिए ठीक है। तो अब तक अपने ऑलमोस्ट 51 पर्सनैलिटीज कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में अपने क्या करेंगे, 50 और पर्सनैलिटीज को कंप्लीट कर लेंगे। और ये अनअकैडमी से जुड़ने के कुछ बेनिफिट्स हैं, अगर आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। जिस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाके, वो आप गोल चूज़ कीजिएगा। एंड वाइल टेकिंग सब्सक्रिप्शन यूज कोड विशाल 11, जिससे कि आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ओके। एंड ईएमआई ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल, अगर आप ईएमआई से पे करना चाहें तो ईएमआई से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब मैं आप सभी लोगों से इजाजत चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, गिविंग सो मच प्रेशियस टाइम एंड सपोर्ट। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।